अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके लिए जो है एक न्यू एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो जो है रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल, और इस वीडियो का ट्यूटोरियल हमने बनाना है काइनमास्टर के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हम काइनमास्टर को कर लेते हैं ओपन। जब आप काइनमास्टर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद ये क्रिएट न्यू है, आपने क्रिएट न्यू में आ जाना है। यहाँ से आके आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ये रील्स वाला जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे 9:16। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको साइड पर ये रेड एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, तो आपने यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में आना है। उसके बाद नीचे एडिटिंग है, आपने आ जाना है एडिटिंग में। एडिटिंग में आने के बाद ऊपर से जो फोटो ड्यूरेशन है इसे आप कम करके जो है ना 2 सेकंड पे रख लेंगे, ठीक है, 2 सेकंड पे इसे रख लेना। उसके बाद ये नीचे है फिल स्क्रीन, तो आप यहाँ पे कर देंगे फिल स्क्रीन। फिल स्क्रीन करने के बाद इसे कर देंगे आप बैक। बैक करने के बाद अब जो है आप ये इमेज का ऑप्शन है, इमेज में आएंगे और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी ड्यूरेशन जो है रख लेंगे 3.1 सेकेंड, ठीक है। तो आपने याद रखना है इसकी ड्यूरेशन हमने रखना है 3.1 सेकेंड। उसके बाद ये ओके का ऑप्शन है, कर देंगे ओके। ओके करने के बाद फिर आपने ये लेयर के ऑप्शन में आना है, फिर ये मीडिया है, मीडिया में आ जाना है, और यहाँ से जो है आपने अपने 10 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जो है यहाँ से कोई भी 10 फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे जो है हमने 10 फोटोज को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद हम वीडियो के आ जाएंगे स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद जो है ना हमारी जो पहली पिक है हम इस पिक को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। हमने जो फोटो सिलेक्ट किया है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन है, क्लिप ग्राफिक में आएंगे। यहाँ पे जो है ना आपको ये ओवरऑल एनिमेशन के ऑप्शन में जाना है। आपके पास ओवरऑल एनिमेशन नहीं होगा तो आपको ये जो रेड एरो का निशान नजर आएगा इस पर आप क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको रेड एरोज के निशान नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने जो है ये वाला एनिमेशन, ये ग्राफिक जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है और यहाँ पे क्लिक ओवरऑल एनिमेशन करना है ओपन। ओपन करने के बाद इन ऑप्शंस में देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन बहुत सारे हैं। तो आपने जो है यहाँ से 7 पॉइंट वाले को सिलेक्ट करना है पहली फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। तो पहली फ़ोटो के ऊपर 7 पॉइंट वाले को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कर देना है ओके। फिर हम दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिप ग्राफिक में आएंगे, फिर ओवरऑल एनिमेशन में आना है, और यहाँ से जो है आपने अब 8 नंबर वाला जो है ना ग्राफिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ओके कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पिक पर आएंगे, फिर क्लिप ग्राफिक में आएंगे, फिर ओवरऑल एनिमेशन में आएंगे, और फिर आपने 7 पॉइंट वाले में आ जाना है। फिर इसे ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पिक को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिप ग्राफिक में आएंगे, फिर ओवरऑल एनिमेशन में आएंगे, और यहां से जो है अब आपने 8 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपने सब पिक को सिलेक्ट करना है, और फिर क्लिप ग्राफिक में आके ओवरऑल एनिमेशन में आके एक में 7 पॉइंट लगाना है, एक में 8 पॉइंट लगाते जाना है, ठीक है। तो हम जल्दी से ये लगा देते हैं, उसके बाद क्या करना है वो आपको बताते हैं। तो देखें इस तरीके से हमने जो है अपने तमाम फोटोज़ में ये ग्राफिक्स लगा लिए हैं। उसके बाद जो है हम वीडियो के आ जाते हैं स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद अब जो है हम यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारी पहली पिक है ब्लैक वाली, उससे आगे हम पहली फ़ोटो जो हमने ली है वहाँ पर आएंगे। उसके बाद ये लेयर का ऑप्शन में आएंगे, फिर ये मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक ब्लैक PNG है, तो हम वो सिलेक्ट करके ले आते हैं। इस ब्लैक PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करके यहां पे ले आना है। अब सबसे पहले आप इसका इस तरीके से लेयर वीडियो के लास्ट तक ले आएंगे, उसके बाद इसका साइज़ इस तरीके से बड़ा करके आप नीचे यहां पे कर लेंगे एडजस्ट। तो इसे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद कर देना है ओके। ओके करने के बाद फिर हम यही पिक जहाँ पर हमने ब्लैक ये PNG लगाया है वहाँ तक आ जाएंगे। फिर ये लेयर का ऑप्शन है, हम आ जाएंगे लेयर का ऑप्शन में। फिर मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक और वीडियो है, तो ये टेम्पलेट जो है मैं सिलेक्ट करके ले आ रहा हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है और फिर यहाँ पे ले आना है। अब आप सीजर के सेट वाले ऑप्शन में आएंगे और इसे कर देंगे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद इन ऑप्शन में हम आ जाएंगे नीचे। नीचे जो है ना आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना इन ऑप्शंस में फिर नीचे आके इसे हम कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद इस टेम्पलेट में जो है ना म्यूजिक ऐड है, तो हम ये वाली म्यूजिक को कर देंगे ऑफ, और ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से म्यूजिक ऑफ कर देते हैं और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब हम वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। हमने जो पहली ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट की थी वो भी हम अब शामिल कर लेंगे। फिर लेयर के ऑप्शन में आएंगे, फिर मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक वाइट बॉर्डर है,
तो आप जो है व्हाइट बॉर्डर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने देख लेना है। तो अभी जो है हम व्हाइट बॉर्डर एक सिलेक्ट करके ले आते हैं। ये हमारा व्हाइट बॉर्डर आ चुका है। सबसे पहले आप इसका लेयर भी वीडियो के लास्ट तक ले आएंगे। उसके बाद जो है ना आपने ये सीजर के सेट वाले ऑप्शन में आना है और इसे कर देना है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद इन ऑप्शन में आप आ जाएंगे नीचे। नीचे जो है ना आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन नजर आएगा। ब्लेंडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर इन ऑप्शन में नीचे आके इसे कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो है ना अब हम फिर ये लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में आएंगे। मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और वीडियो है, तो ये जो है लेयर वाली वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहां पे करके ले आएंगे सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करके ले आने के बाद आपने जो है पहले जो ब्लैक पिक सिलेक्ट की थी उसे सिलेक्ट करके इस पिक के लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट तक आने के बाद हमने जो अभी वीडियो ले आए हैं लेयर वाली, इसको सिलेक्ट करेंगे। सीजर के ऑप्शन में आएंगे और इसे कर देंगे सिप्लेट एट प्ले हेड। इस तरीके से ये जो है हमारी वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। पहले हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है हम फिंगर के साथ इसका साइज इस तरीके से बड़ा कर देंगे अपनी पूरी वीडियो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना हम इन ऑप्शंस में आ जाएंगे नीचे। नीचे जो है ना आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर इन ऑप्शन में नीचे आना है और इसे कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद इसका साइज भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर जो है आप नीचे जो ये प्लेयर नजर आ रहा है, हैवी प्लेयर, इसके ऊपर यहाँ पे कर लेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब हम वीडियो के स्टार्ट में आते हैं और वीडियो को चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों देखें कुछ इस तरीके से ये एक हमारी अमेजिंग सी वीडियो बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। अब जो है हमने इसे करना है सेव, तो ऊपर सेव के ऑप्शन में आएंगे और इसके बाद इसकी रेजोल्यूशन हम अपने मुताबिक रख लेंगे जो अच्छा रहे, और उसके बाद कर लेना है सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।